हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आज का वीडियो लेकर आ गया हूँ 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। HSC बोर्ड्स 2024 फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है और फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। जिन बच्चों को एक दिन में सिलेबस कवर करना है, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मेरे चैनल पर आकर जरूर देख लेना। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मेरी इंपॉर्टेंस में से आ सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन मैंने लगाया है। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंस इसके पहले प्रोवाइड किया हूँ स्टूडेंट्स को मेरे क्लासेस में, उसमें से ही पेपर में उनको आया है। तो इस बार मैं यूट्यूब में सारे स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस मिलेंगे, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है मेरे वेबसाइट का। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आपको 12th साइंस पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और फिर 12th साइंस को क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिजिक्स इंपॉर्टेंस पे आपको क्लिक करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंस में अपलोड करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मिलने वाला है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। चैप्टर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, वहां पे क्लिक करके आपको इस चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, उसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यू कैन सी चैप्टर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSC बोर्ड 2024। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आंसर मैंने इस तरीके से लिखा है जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ये टेक्स्ट बुक से उठाया गया या डाइजेस्ट से उठाया गया या 21 सेट का आंसर नहीं है स्टूडेंट, ये मैं खुद से आपके लिए आंसर बनाया हूँ। बहुत ही इजी वे में आंसर को लिखा गया है, वेरी सिंपल एंड लिजिट वे में आपको ये आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और ऐसे कोई भी भारी भरकम वर्ड मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं जिसको पढ़ने से आपको उसका मीनिंग ही ना समझ में आए। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो आंसर पढ़ते तो है बट उसका मीनिंग समझ नहीं आता है, बट यहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज आई हैव यूज्ड। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन है, मेयर्स रिलेशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। हूबहू ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये टॉपिक्स जो मैंने मेरे क्वेश्चंस में डाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 100% बोर्ड में आने वाला है। तो ये टॉपिक्स आप कर लो, पूरा सिलेबस आपका, ये चैप्टर का पूरा सिलेबस आपका इन सारे क्वेश्चन आंसर्स में हो जाएगा। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने उठाए हैं जिससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल 11 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करना है। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के अपडेट मेरे चैनल पर मैं अपलोड करता रहूंगा। आपको छोटा सा काम करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, 0 रुपीज। आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, अपने सारे 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। टेलीग्राम पर आपके लिए और भी एकदम इंपॉर्टेंट वाले डिस्टिंग्विश बिटवीन, एकदम इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम जो है वो सब कुछ मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो, आप टेलीग्राम पर मेरे साथ ज्वाइंट हो जाओगे। 11th एंड 12th साइंस के लिए स्पेशली उस ग्रुप को बनाया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।